इसमें भैया कितना किलो मटन है अभी? इसमें 25 केजी मटन है। और ये जो था इसमें कितना था? 40 इसमें और 25 इसमें, 65 किलो एक बार में बन जाता है। एक बार में बन जाता है। और ऐसा और भी बनते रहता है? इसके बाद एक और बनेगा 25 केजी का, मतलब 100 किलो के आसपास लगभग मटन बनता है। 80 और 100 के बीच में पर डे मटन बनता है। कट भी है ऊपर वाला, ये सीना का है, जो कि सीना मोटा सीना होता है। मोटा सीना हो गया, इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री चर्बी है वो भी जाता है हर प्लेट में। हाँ, लर और चर्बी जो नियम है, जो प्रथा है बिहार का, हर जगह जैसे चलता है यहाँ भी वही है। हाँ, और ग्रेवी भी देख रहे हैं कि ये लेके घूम रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री ग्रेवी देने के लिए। अंदर में बैठने वाला स्पेस है, कभी भी आइए इसी तरह से आपको ये बढ़ा हुआ मिलेगा। और ऐसे जो है लोग लेके घूमते रहते हैं, ग्रेवी चाहिए, सलाद चाहिए, जो चाहिए वो आपको ऊपर से दिया। यहाँ का मटन कैसा रहता है? एकदम मस्त, बहुत ही बढ़िया। हम हफ्ते में 2-3 बार आके खा लेते हैं। हफ्ते में 2-3 बार आके यहाँ का मटन खाते हैं। जो भीड़ देख रहे हैं, मतलब इससे लग रहा है कि मटन अच्छा होगा यहाँ। एकदम लाजवाब, एकदम धन्यवाद। ऐसे तो समस्तीपुर में आप जहाँ चले जाइए, जिस जगह चले जाइए, जिस एरिया, जिस कॉलोनी में चले जाइए, कोई ना कोई मटन का दुकान आपको मिल जाएगा। और कोई 1-2 किलो वाले नहीं, 5 किलो 10 किलो, मतलब हर जगह बनता है, ये कॉमन है यहाँ का। लेकिन अभी हम लोग समस्तीपुर के जिस शॉप पर आए हैं, यहाँ 5 किलो 10 किलो 20 किलो 50 किलो नहीं, 100 किलो मटन हर रोज़ बनाया जाता है। और नेक्स्ट लेवल का डिमांड है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ है यहाँ मटन का। और जिस शॉप पर हम लोग आए हैं, इसका नाम है रोशन भाई का मटन हाउस। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में और समस्तीपुर के एक और वीडियो में। अभी हम लोग हैं समस्तीपुर में, जिस लोकेशन में इसे कहते हैं विश्वकर्मा चौक, और यहीं पर समस्तीपुर का समझिए कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर सा होटल है, जिसका कि नाम है रोशन भाई का मटन हाउस। यहीं हम लोग आए हैं और यहाँ के स्वाद के बारे में आपको बताने वाले हैं। पीछे देख सकते हैं कि बड़ा बड़ा 2 कढ़ाई आपको चढ़ा हुआ दिख जाएगा। किसी भी वक्त आइए, लोग मतलब मटन खाते हुए मिलेंगे, और बाहर इधर जो ओनर है वो मटन देते हुए मिलेंगे, और वो जो भैया है वो मटन ले जाते हुए मिलेंगे। तो चलते हैं, थोड़ा सा जो बाहर का नज़ारा है, जो मटन का सीन है वो आपको दिखाते हैं, फिर खाते हैं और उसका टेस्ट आपको बताते हैं। तो इधर जो क्वांटिटी आप देख सकते हैं, इतने बड़े से कढ़ाई में, ये कढ़ाई का साइज़ एक फ्रेम में कैद कर पाना भी काफ़ी मुश्किल है। इस कढ़ाई में मटन रखा हुआ है, और भैया को पता है कि डिमांड इतना ज़्यादा है कि तुरंत ख़त्म हो जाएगा, इसलिए तुरंत बैकअप में भी लग चुके हैं। जो दूसरा लॉट है उसकी तैयारी में भी लग चुके हैं, और एकदम सेम साइज़ का एक और कढ़ाई जो है ये मटन का भी चढ़ा हुआ है। अभी अंदर में चढ़ा हुआ था, इसे लाया गया है बाहर। तो इतना बड़ा बड़ा एक नहीं 2 कढ़ाई आप बताइए ज़रा, और कहाँ आप देखे होंगे। एक कढ़ाई तो हम लोग देखे हैं, काफ़ी जगह देखे हैं, बट इस साइज़ का इतने क्वांटिटी में ऐसा ऐसा 2-2 कढ़ाई एक साथ बनते हुए फर्स्ट टाइम आज देख रहे हैं। साइज़ देखिए ये, इसमें भैया कितना किलो मटन है अभी? इसमें 25 केजी मटन है। और ये जो था इसमें कितना था? 40 इसमें और 25 इसमें, 65 किलो एक बार में बन जाता है। एक बार में बन जाता है। और ऐसा और भी बनते रहता है? इसके बाद एक और बनेगा 25 केजी का, मतलब 100 किलो के आसपास लगभग मटन बनता है। 80 और 100 के बीच में पर डे मटन बनता है। पर डे 80 से लेके 100 किलो, और डिमांड देख ही सकते हैं, लोग प्लेट लेके खड़े हैं मटन के लिए। और इधर अभी भैया जो है, जो ओनर है, वो खुद आते हैं और खुद से मटन जो है वो डालते हैं प्लेट में। लगातार जो है ऐसा ऐसा प्लेट्स निकल रहा है और लोगों को दिया जा रहा है खाने के लिए। सिर्फ मटन है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लोग आते हैं अपना खड़े होकर बताते हैं, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा पीस चाहिए, उस हिसाब से चुन के यहाँ निकाल के डाला जाता है। मेरा नाम रोशन हुआ। अच्छा, आप ही के नाम पे ये दुकान है? मेरे ही नाम पे। रेट 170 रुपया प्लेट रहता है, उसमें 1 से 1.5 प्लेट चावल सैलेड। 1 से 1.5 प्लेट के आसपास चावल हो गया, सलाद हो गया, और मटन कितना पीस? 3 पीस मटन रहता है। 3 पीस मटन रहता है 170 रुपये में। हाँ। और दुकान का टाइमिंग क्या होता है? 10 बजे से 5 बजे तक। मटन नहीं भैया, इसी तरह का मतलब लटपट जैसा होता है, बहुत ग्रेवी नहीं होता है? ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं रहता। तो ये वाला जो कढ़ाई हम लोग देख रहे हैं, ये सुबह में बना था? हाँ, ये 10 बजे में बन के रेडी हो गया है। 10 बजे वो रेडी था। हाँ। और ये वाला जो है, ये अभी डाले हैं? ये अभी डाले हैं। ये कितना देर हुआ डाले हुए? ये अभी 15-20 मिनट हुआ है। अभी जस्ट ये वाला जो बैच है ये चढ़ा है, और फिर अगला बैच जो इसके बाद वाला वो कब बनेगा? वो बनेगा 3 बजे वाला में। वो 3 बजे बनेगा इसके बाद फिर से। हाँ। इधर हमें कुछ सब्सक्राइबर लोग मिले हैं, भैया वीडियो अच्छा लगता है? एकदम बढ़िया लगता है भैया, आपका एकदम पॉपुलर है, मस्त बहुत ही मस्त है यहाँ। वीडियो का क्वालिटी भी बढ़िया रहता है, और समझाने का ट्रिक भी, और मटन शॉप भी आप बढ़िया बढ़िया बेस्ट चुन के पब्लिक के नज़र में लाते हैं। आपके चैनल से मोतिहारी में भी जसवाल जो होटल है, आपके चैनल से ही पता चला, वहाँ जाके खाए हम पानी फ्राई मटन, एकदम लाजवाब था, मस्त था। यहाँ का मटन कैसा रहता है? एकदम मस्त, बहुत ही बढ़िया। हम हफ्ते में 2-3 बार आके खा लेते हैं। हफ्ते में 2-3 बार आके यहाँ का मटन खाते हैं।
जो भीड़ देख रहे हैं मतलब इससे लग रहा है कि मटन अच्छा होगा यहाँ? एकदम लाजवाब, धन्यवाद। तो इधर भीड़ जो है आप देख सकते हैं और लोगों का फीडबैक भी जो है वो आपको सुनाएं, कितना लोग पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं, कितना तारीफ कर रहे हैं। और यहाँ देखिए इस तरह से घेर के लाइन लगा के लोग खड़े हैं, अपना मटन खुद से चूज कर रहे हैं, बता रहे ये दीजिए वो दीजिए और उस हिसाब से दिया जा रहा है। तो इधर देख सकते हैं कि ये वाला लॉट मतलब आधा बचा हुआ है और इधर जो है इसका बुनाई उनाई जो है वो हो रहा है। थोड़ी देर इंतजार करते हैं फिर इसी लॉट में से निकलवा के खाते हैं। लोगों का पसंद होता है कि हमको बड़ा लड़ खाना है तो दे देते हैं ऐसे। अच्छा, नहीं तो ऐसे काट के भी इसको देते हैं। इतना मोटा मोटा लड़ जाता है हर प्लेट में। हाँ, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री होता है। हाँ, आपका मटन भी देख रहे हैं काफी चर्बीदार सा दिख रहा है। सब मटन मेरा 9 kg, 8 kg, 10 kg के लगभग में रहता है। चर्बी भी जो आप डाले एकदम भरपूर चर्बी दिख रहा है इसमें। देखिए ये चर्बी है ऊपर वाला, ये सीना का है जो कि सीना मोटा सीना होता है। ये मोटा सीना हो गया, इसके अलावा जो कॉम्प्लीमेंट्री चर्बी है वो भी जाता है हर प्लेट में। लर और चर्बी जो नियम है जो प्रथा है बिहार का हर जगह जैसे चलता है यहाँ भी वही है। और ग्रेवी भी देख रहे हैं कि ये लेके घूम रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री ग्रेवी देने के लिए, तो वो भी मिल जाएगा जितना चाहे उतना ग्रेवी। हाँ, जितना चाहे उतना। अच्छा, इधर एक और सब्सक्राइबर मिले हैं हमें। आपको वीडियो कैसा लगता है? हम लोग बेहतर लगता है और आपके वीडियो को ही देख के हम लोग बहुत जगह जाके खाना खाते हैं। अच्छा, आपका वीडियो वहाँ जाके आप वीडियो बनाते हैं जहाँ स्वच्छता का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और क्वालिटी तो अच्छा रहती है। और यहाँ रही बात, यहाँ मैं बचपन से खा रहा हूँ, इतना बड़ा हो गया। अच्छा, बचपन से आप यहाँ पर खा रहे हैं? यहीं के रहने वाले, लोकल समस्तीपुर के रहने वाले, इनके पिताजी से हम खाते आते हैं। का टाइम हम देख रहे हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, 100-100 किलो मटन इनका एक दिन में निकल रहा है। हाँ, 100-100 किलोमीटर, और लेट होगा तो आपको मिल भी नहीं पाएगी। 100 किलो बनने के बाद भी लेट होने पर नहीं मिल पाए, मिल पाती है, हम लोग कितना बार घूम के चले जाते हैं। तो ये वाला जो एरिया देख रहे हैं यहीं पर मटन तैयार होता है, ये काउंटर हो गया, तौलने वालने का काम, प्याज चावल सलाद वाला काम यहाँ होता है। और इधर जो है अंदर बैठने वाला स्पेस है, ये देखिए ये जो है ये अंदर में बैठने वाला स्पेस है। कभी भी आइए इसी तरह से आपको ये बढ़ा हुआ मिलेगा और ऐसे जो है लोग लेके घूमते रहते हैं, ग्रेवी चाहिए सलाद चाहिए जो चाहिए वो आपको ऊपर से दिया जाएगा और यहाँ लोग बैठ के खाना अपना एंजॉय कर रहे हैं। अब भैया क्या जा रहा है? गरम मसाला। ये गरम मसाला है, तुरंत लग रहा है कि इसको पीस के लाए हैं अभी, जस्ट दरदरा सा गरम मसाला जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे। आधा घंटा का समय जो है वो बीत चुका है और अब जो है इसमें डाला गया गरम मसाला और अब जाएगा कसूरी मेथी। हाँ, ये कसूरी मेथी है, अब जा रहा है ऊपर से ये कसूरी मेथी। ये डला मतलब, ये मतलब डला मतलब कि लास्ट स्टेप है, तैयार हो चुका है। ये लास्ट है बस, अब क्या डाल रहे हैं? मीट मसाला। ये मीट मसाला है। अच्छा, ये भी लास्ट में जाता है। यहाँ जो है गया एक पैकेट मीट मसाला, इसके बाद इसमें कुछ नहीं पड़ेगा। और पूरा रेसिपी हम लोग को देखना हो तो कितने बजे सुबह आना पड़ेगा? सुबह 7 बजे से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह 7 बजे पहुंचना होगा यहाँ पे। हाँ, तो कमेंट करके आप लोग बताइए अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ का रेसिपी शूट करें, सारा चीज़ जो है वो दिखाएं स्टार्टिंग से लास्ट तक कि कैसे बनता है ये मटन जिसके लिए लोग इतने दीवाने हैं। तो हम लोग आएंगे वापस से मॉर्निंग के टाइम पर आएंगे और सारा रेसिपी आपको दिखाएंगे। कढ़ाई जब भर गया था ना 40 किलो में, जबरदस्ती बनाते हैं इसमें, भर गया था ग्रेवी ऊपर हो रहा था। अच्छा, इधर आ चुका है हमारा मटन चावल, किया जाए फटाफट से ट्राई। दम गरम, एकदम गरम, तुरंत जो बना उसी में से दिया गया एकदम गर्मा गर्म ग्रेवी। ये मटन देखने में लुक वाइज सबसे पहला चीज़ आपको दिख रहा होगा कि ये होगा मसालेदार, और बिल्कुल जैसा दिख रहा है वही चीज़ है, स्पाइसी सा है, मसालेदार सा है और गरम मसाला, साथ ही साथ गोलकी का जोरदार इस्तेमाल और डोमिनेटिंग सा फ्लेवर। ये पीस देखिए बिल्कुल गला हुआ पीस, अच्छे से गला हुआ पीस, कढ़ाई में बनाए हैं 1 घंटा में गलाएँ फिर भी पूरा अच्छे से गल गया पीस। इस गर्मी में भी इतना ज़्यादा दीवानगी है मटन खाने के लिए, इतना ज़्यादा क्राउड है, इतना ज़्यादा लोग है और इतना ज़्यादा खपत है, ये कहाँ मिलेगा आपको? बहुत सही,
बड़ा मसालेदार स्पाइसी वाला मटन खाना समस्तीपुर में आए हैं, और ऐसा खाना है जिसमें कि कोई ग्रेवी का टेंशन नहीं, लगातार चल रहा है, अनलिमिटेड मिल रहा है, तो इस जगह पर आइए, मटन खाइए और ये साथ में कॉम्प्लीमेंट्री लर और चर्बी पाइए। ख़त्म करते हैं वीडियो, कमेंट कीजिए, बताइए वीडियो कैसा लगा, अगर यहाँ आए हैं क्योंकि काफ़ी पॉपुलर जगह है, आए हैं खाए हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस गर्मी के मौसम में, गर्मा गर्म मटन खा के अलग मज़ा आता है, पसीना चेहरे पर दिख रहा होगा बट खाने का अपना अलग मज़ा है। इन्जॉय करते हैं मटन चावल को, कमेंट कीजिए, बताइए वीडियो कैसा लगा, थैंक यू सो मच।